दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों क्या आपको पता है कि आपको जो ईमेल आईडी है वह किस किस एप्लीकेशन से या किस किस वेबसाइट से लॉगिन है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज करते हैं या किसी अदर वेबसाइट को ऐप को यूज करते हैं तो वहाँ पर लॉगिन करने के लिए हमें गूगल ईमेल आईडी और फेसबुक का ऑप्शन देता है और हम गूगल पे क्लिक करके अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों कई वेबसाइट और एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं जो हमारे ईमेल आईडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी हमारा फ़ोन हैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो ईमेल आईडी है किस किस वेबसाइट से या किस किस एप्लीकेशन से लॉगिन है और आप कैसे उन वेबसाइट से और एप्लीकेशन से अपने ईमेल आईडी को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन में गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो गूगल अकाउंट का आपका ईमेल आईडी दिखाई देगा, दोस्तों वहाँ पर ईमेल आईडी का जो लोगो दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा गूगल अकाउंट, तो आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेता है, फिर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। फिर आपको इस तरह का पेज दिखेगा, तो आपको यहाँ पर दोस्तों करना क्या होता है, डाटा एंड प्राइवेसी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर आपको डाटा एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपको यहाँ पे दोस्तों नीचे की तरफ स्लाइड करना है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं है तो मैं डायरेक्ट जीमेल अकाउंट से आपको दिखा देता हूँ, लेकिन पहले अगर आपका यहाँ से है तो आप यहाँ से देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए एकदम नीचे आ जाना है। दोस्तों जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो होगा थर्ड पार्टी ऐप्स विथ अकाउंट। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई देगा थर्ड पार्टी ऐप्स विथ अकाउंट, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेता है, फिर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फ्रेड, अली एक्सप्रेस, चैट रैंडम, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन वेबसाइट मिल जिससे मैंने इस ईमेल आईडी को लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे ईमेल आईडी या आपको यहाँ पे जो होता है जैसे यहाँ पे रेडिट, ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, और चैट रैंडम जो होता है ये सब वेबसाइट है, और जो अल्फ्रेड कैमरा वगैरह ये सब एप्लीकेशन है यानी ऐप हैं। तो आपको यहाँ पे दोस्तों करना क्या होता है, जिसको आप यूज करते हो तो आपको उसको छोड़ देना है, बाकी जिसको यूज नहीं करते हो उसमें से अपने जीमेल अकाउंट को अपने ईमेल आईडी को लॉगिन हटा देना, मतलब रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे जो रेडिट का ऑप्शन मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों रिमूव एक्सेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको रिमूव एक्सेस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो है मतलब अकाउंट ही बंद हो जाएगा वहाँ से, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। दोस्तों इससे यह होता है कि अगर आपका जो अकाउंट है यहाँ पे जो ईमेल आईडी है किसी ऐसे एप्लीकेशन या ऐसे वेबसाइट से लॉगिन हो चुका है जो कि इलीगल है, मतलब जो डाटा चोरी करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाए जाते हैं जो आपके ईमेल आईडी के द्वारा आपके फ़ोन को भी हैक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है ना दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।